आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में ना जश्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हमी छाओं में तलवारों की। और फिर कहते हैं तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुवते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। और फिर जो आज लोग कहते हैं कि मुसलमान तो पैसे के पीछे भूख प्यास और ये लालच के पीछे मरता है, इकबाल ने इशारा किया महमूद गजनवी की तरफ। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के बुत को तोड़ने की बारी आई तो हिंदू पंडितों ने, बिजनेसमैन ने सोने हीरे जवाहरात उनके कदमों में रख दिए और कहा कि ये हीरे ले लीजिए, ये सोना ले लीजिए, ये जवाहरात ले लीजिए, लेकिन सोमनाथ के बुत को ना तोड़िए। एक तरफ दुनिया की ऐशो इशरत थी तो महमूद गजनवी ने ये कहा कि अगर मैं सोने हीरे और जवाहरात को वसूल कर लेता हूं तो तारीख मुझे महमूद बुत फरोश के नाम से जानेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तारीख मुझे बुत शिकन के नाम से जाने। यहां इकबाल कहते हैं कि कौम अपनी जो जरो माल जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती आज। लेकिन जवाब शिकवा में इकबाल ने एक थप्पड़ नसीब किया इस मिल्लत को, इस उम्मत को, कि होने को नाम जो कब्रों की तिजारत करके, क्या ना बेचोगे जो मिन जाए सनम पत्थर के। कि आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारे जो टीचर्स मेरे दोस्त हैं ये मुझसे अक्सर कहते हैं कि जी तालीमी निसाब में हमारा नजरियाती एलिमेंट क्यों नहीं है, तालीमी निसाब में खुलफाए राशिदीन की जिंदगियाँ क्यों नहीं है, तालीमी निसाब में अहले बैत की जिंदगियाँ क्यों नहीं बताई जाती, तालीमी निसाब में औलिया कराम की जिंदगियाँ क्यों नहीं बताई जाती। तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, और ऐसी बातों को लोग करने से अक्सर डरते हैं। बात यह है कि जब IMF या वर्ल्ड बैंक आपको लोन देता है, कर्जा देता है, तो वो आपका रिश्तेदार नहीं है। मैं किसी को कर्जा दूंगा तो मैं उससे कहूंगा कि तुम मेरे बूट भी पॉलिश करो, तुम मेरी गाड़ी पे भी कपड़ा मारो, और मैं तुम्हें लात मार के भेजता हूं तो तुम्हारी जुरत नहीं होनी चाहिए कि तुम बात करो। इसी तरीके से जब अमरीका साहब इस कौम को कर्जा देते हैं तो हम उनके बूट भी पॉलिश करते हैं, उनकी गाड़ी पे भी कपड़ा मारते हैं, फिर वो हमारी बेटी को भी उठा के ले जाते हैं और हम बेगैरत बन के बैठे रहते हैं, फिर वो हमारे बच्चों को इस्लामाबाद की सड़कों पे गाड़ी के नीचे कुचल के भी चले जाते हैं, कभी रेमंड डेविस की सूरत में हमारे बच्चों को मार के चले जाते हैं और हम सलूट मार के उन्हें वापस भेजते हैं, क्योंकि हम उनके मकरूज हैं। हम लोगों ने कर्जा लिया, अपनी गैरत को बेचा। अब हल क्या है? हल ये है कि कौम को गैरतमंद बनना होगा। जहां एक वक्त पे दो रोटियां खाते हो और दूसरे से मांग के खाते हो, उससे बेहतर है कि अपनी हक हलाल की कमाई की एक ही रोटी खा लिया करो। आज हमने ये बताना है, देखें मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। बार बार कायदे आजम ये बात कहा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्तकबिल में आकर इस कौम के हुक्मरानों ने अपना जमीर, अपनी गैरत, अपना सब कुछ बेच देना है, और पिछले 70 सालों से हो रहा है। पार्टियां चेंज होती हैं, शक्लें हुई रहती हैं जो बार बार सामने आती हैं। एक बात आज भी मैं, क्योंकि सोशल मीडिया से ये जो जितनी वीडियोस बन रही है, मैं पहुंचाना चाहता हूं पैगाम अपने वजीर आजम साहब से, उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपने, आपके दौरे हुकूमत में मौलाना समीउल हक को शहीद किया गया, आपके दौरे हुकूमत में खादिम हुसैन रिजवी को जेल में भेजा गया, आपके दौरे हुकूमत में हाफिज सईद जो अपनी बगैर तनख्वाहों के शहादतें दे रहे कश्मीर में, उसको उसकी जमात पे पाबंदी लगाई गई। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, कल को अगर भारत के साथ जंग होती है तो क्या फवाद चौधरी साहब के वालिद साहब जहाद करेंगे या शीरी मजारी की बेटी जहाद करेगी? ये दीनी मदारिस किसी भी मकतबे फिक्र के हों, ये कौम का असासा होते हैं।
ये मम्मी डैडी बर्गर बच्चे इस्लामाबाद के जिहाद के लिए नहीं जाते, मुश्किल वक्त में यही मदारिस के बच्चे तुम लोगों के काम आते हैं। ये हमारा कीमती असासा है, इन्हें दहशतगर्दी से ना जोड़ो। और दूसरी बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आज हमें फिरका वारियत के बुत को तोड़ना है, आज हमें ये सुन्नी शिया वहाबी से निकलना है। जब आपको शाम में मारा जाता है, सीरिया लेबनान फलस्तीन में मारा जाता है, तो मसलक नहीं पूछा जाता। जब कश्मीर की बेटी को उसका रेप किया जाता है और उसके कातिलों के खिलाफ एक आवाज हिंदुस्तान में नहीं उठती, कातिलों के हक में पूरा हिंदू बनिया मुजाहरे कर रहा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि हमने सुन्नी बच्ची को मारा या शिया बच्ची को मारा, वो ये देखता है कि हमने मुसलमान की बेटी को मारा। तो आज मुसलमान क्यों नहीं एक है? हमने वजीर आजम साहब को इसलिए वजीर आजम बनाया कि वो रियासत मदीना बनाए, इसलिए नहीं कि आसिया मलूना को रिहा किया जाए। हमें आज भी उम्मीदें वाबस्ता है कि शायद ये दो चार जो वजरा उल्टे मशवरे देते हैं इनको साइड पे करके अल्लाह करे कि अल्लाह काम ले हमारे वजीर आजम से और उन्हें रियासत मदीना बनाने की तौफीक भी दे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा बच्चों, आप लोगों से और इन माओं से जिन्होंने तरबियत करनी है बच्चों की, खुदारा बच्चों की तरबियत में ये गाने या टीवी टेलीविज़न या रेडियो सुन के वो लगा के बच्चों को ना सुलाया करें। बच्चों को सुलाने से पहले बताया करें कि बेटा तुम्हारे रोल मॉडल्स में से एक तारिक बिन ज़ियाद भी था जिसने कश्तियां जला दी थी लेकिन वापसी का रुख नहीं किया था। अपने बच्चों को बताएं कि बच्चा तुम लोगों के रोल मॉडल्स में से एक मोहम्मद बिन कासिम भी था जिसे एक बहन ने कई हजार मील दूर से खत लिखा था और वो 17 साल की उम्र में आके सिंध को पता कर चुका था। अपने बच्चों को बताएं कि तुम्हारे रोल मॉडल्स में से एक सलाहुद्दीन अयूबी भी था कि जो 2 साल सोया नहीं था जब शाम से एक काफिला गुजर रहा था मुसलमानों का और एक सिलेबी जर्नैल ने उस काफिले को रोक के उनको तजलील का निशाना बनाया और कहा कि बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, किधर है वो? तो वो उस गुस्ताख की खबर जब सलाहुद्दीन अयूबी को पहुंची तो 2 साल सुकून की नींद नहीं सोए सलाहुद्दीन अयूबी और उन्होंने दुआ की है अल्लाह मुझे तब तक मौत ना दे जब तक मैं बैतुल मकदस पतक ना करूं और जब तक मैं इस गुस्ताख का सर तन से जुदा ना करूं। बच्चों आपके रोल मॉडल ऐसे लोग होने चाहिए, उस सुकून की नींद ना सोए जब तक उसको ये यकीन ना हो जाए कि वो अपने मुल्क का दिफा करना जानता है, वो अपने मजहब का दिफा करना जानता है। बेटा ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के बाद मिला, ये मुल्क कुएं भर जाते थे हमारी लाशों से, माओं के पेटों को काट के उनके जो बच्चे पेट में होते थे उनकी बोटियां बनाई जाती थी उनके सामने, तब जाके ये मुल्क मिला। खुदारा इस मुल्क के साथ इतना इंसाफ कर दो कि अपने टेलीविजन से हिंदुस्तानी चैनल्स को मुस्तरद कर दो। ये नंबर्स लेना इज नॉट एन अचीवमेंट। मुझे या शायद को या सैफ को, हम लोगों को खुशी जरूर होगी कि मुस्तकबिल में हमारा बच्चा उठ के आता है कि मैं आर्मी ऑफिसर बन गया, मैं वकील बन गया, मैं इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, लेकिन उससे ज्यादा खुशी तब होगी जब हमारा बच्चा उठ के आएगा और कहेगा कि फला बंदा मेरे मुल्क के खिलाफ बकवास कर रहा था और मैंने उसे चुप कराया। अपने मुल्क का दफा कराना सिखाएं और बताएं कि हम लोग पठान पंजाबी सिंधी बलोची कश्मीरी बाद में, पहले पाकिस्तानी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे शिकायत हमेशा मिलती है पंजाब वालों से, यहां पर जो भी पठान रहता है उसे सीने से लगाना सीखो ताकि वो एक आपका पैगाम लेके खैबर पख्तूनख्वा में जाए कि यहां के लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, ये वो पंजाबी नहीं है जिनका इमेज वहां जा रहा है। हम पाकिस्तानी होने की हैसियत से एक होने चाहिए। मैं पिशावर जाके जलसा किया, मैंने डेरा इस्माइल खान जाके जलसा किया, मैंने कोहाट जाके जलसा किया, खुदा की कसम पंजाब से वो प्यार नहीं मिला जितना प्यार मुझे खैबर पख्तूनख्वा से मिला। तो ये प्यार आप लोगों ने उन लोगों को देना है, तब जाकर पाकिस्तान बनेगा।
तब जाके हम लोग मुस्तहकम होंगे। और खुदारा ये लोकल लीडरों को छोड़ो, इनका पीछा करना, कायदे आजम को पढ़ना शुरू करो, तुम्हें अंदाजा होगा कि कितने बड़े इस्लामी हीरो हमारे हर किताब के सामने मौजूद हैं, कितने बड़े इस्लामी हीरो हम सब की जेब में पाए जाते हैं, लेकिन हमने कभी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं एक स्कूल में वालिदैन से कह रहा था कि जी तरबियत का बड़ा फुकदान है। एक बुजुर्ग बड़े गुस्से में आके कहते हैं कि मैंने बड़े अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की, आप गलत बात करते हैं। मैंने कहा क्या पढ़ाया अपने बच्चे को पहली बार किताब पकड़ाई तो? कहते हैं ABC पढ़ाई। मैंने कहा दूसरी किताब पकड़ाई तो क्या पढ़ाया? कहते हैं अलिफ बे पकड़ाई। अब गौर करिएगा, मैंने कहा यही तो मसला है, किताब के तीसरे सफ़े से ABC अलिफ बे पे पढ़ाते हो, किताब के पहले सफ़े पे जिस बाबे की तस्वीर बनी है नहीं बताते वो बाबा कौन है। यही वजह है कि ये 3-4 साल का बच्चा पहली बार पेंसिल उठाता है उसी बाबे की दाढ़ी मूंछ बना रहा होता है। और जो कौम अपने लीडर्स का एहतराम करना नहीं जानती, भूल जाओ, वो वालिदैन का एहतराम करेगी, ये टीचर्स का एहतराम करेगी। कायदे आजम हमारे सियासी पेशवा ही नहीं, हमारे रूहानी पेशवा हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की खास नजरे इनायत थी इकबाल और कायद पर। कश्मीर से एक सैयद जादे आते हैं और इकबाल को देख के धाड़े मार के रोते हैं। इकबाल अपनी जेब से पैसे निकाल के देने लगते हैं कि ये लीजिए आप, जरूरतमंद है। उन्होंने कहा नहीं, मैं जरूरतमंद नहीं हूँ, अपने ख्वाब की ताबीर पर रो रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या ख्वाब देखा? तो वो कहते हैं मैं ख्वाब में ये देखता हूँ कि जमात शुरू हो रही होती है, रसूलल्लाह जमात करा रहे होते हैं, सिद्दीकीन सालेहीन की एक कसीर तादाद वहाँ मौजूद होती है, रसूलल्लाह जमात शुरू नहीं कराते, बार बार पीछे रुक करके दरियाफ्त करते हैं क्या इकबाल आ गया। ये मकाम है आपके लीडर्स का, ये नजर इनायत है रसूलल्लाह के आपके लीडर्स पर। लेकिन हमें निसाब में क्या पढ़ाया जाता है? कायदे आजम कहाँ पैदा हुए, वालिद का नाम कुंजा जना, अच्छा जी वालदा का नाम फलां, और जी वहाँ आला तालीम हासिल की, वहाँ फौत हो गए। और हमें इस कायदे आजम से गर्ज नहीं है, हमें उस कायदे आजम से गर्ज है जिसने गाजी उलमुद्दीन शहीद का केस लड़ा था। हमें यह बताओ वो कायदे आजम था? हमें इस कायदे आजम से गर्ज नहीं है कहाँ पैदा हुए कहाँ फौत हुए, हमें उस कायदे आजम से गर्ज है। हमें बताओ कि ये मुसलमान जब चक्की में पिस रहे थे, इनका कोई पुरसान हाल नहीं था, तो बरतानिया से वापस आया वो कायदे आजम और उसने एक आज़ाद सल्तनत हम लोगों को दी। लेकिन हम एहसान फरामोश कौम है, कायदे आजम की एम्बुलेंस कई घंटों गवादर में, सॉरी जियारत में कई घंटों रुलती रही, वो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते रहे, किसी को नहीं पता कि इसमें कायदे आजम है। और आज अगर मैं बताऊं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ क्या क्या नहीं किया इस कौम ने, इस कौम के हुक्मरानों ने, अगर ये बात बताना शुरू कर दूं शायद घर जाना मुझे नसीब ना हो वापस। हम एहसान फरामोश लोग हैं, हम लोगों ने हर थर्ड क्लास लीडर के पीछे अपने कायद को बेचा, हमने हर थर्ड क्लास लीडर के पीछे मोहतरमा फातिमा जिन्ना को मुस्तरद कर दिया था, हमने हर थर्ड क्लास डिक्टेटर के पीछे पाकिस्तान के बानियों को मुस्तरद कर दिया था, उनकी फैमिलीज के साथ खेला। खुदारा आप जाग जाओ, अपना जमीर बेचना खत्म करो। ये बात एक स्कूल के फंक्शन में आके करना बहुत जरूरी था कि यहां ABC तो आप पढ़ लोगे बच्चा, लेकिन मुस्तकबिल में ये बात इसलिए बता रहा हूं, मुस्तकबिल में अगर आप में से कोई वजीर आजम या जज साहब बन जाता है तो उसे पता हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से बढ़ के कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं हो सकता। वो हर चीज पे समझौता कर सकता हो, अपने इस्लाम और पाकिस्तान पे समझौता ना करे,